वेलकम गाइस, आईटीएल पर वीडियो में सैमसंग गैलेक्सी का फ़ोन, इसमें अगर आपको जो है लैंग्वेज की प्रॉब्लम आ गई है तो आप कैसे शॉर्ट आउट करेंगे ये मैं बता दूंगा। बहुत इजी है, सेम तरह से स्टेप फॉलो करना और आपकी लैंग्वेज जो है वो चेंज हो जाएगी। गलती से अगर आपसे सेटिंग में से लैंग्वेज चेंज हो गई तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, सोल्यूशन यूट्यूब हर देता है और इसमें आपको फ़ायदा भी होता है। अगर आपका भी इसमें फ़ायदा हो या आपकी हेल्प हो तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। बहुत छोटी सी वीडियो है, ज़्यादा लॉन्ग भी नहीं बनाऊंगा मैं। तो सबसे पहले हमें करना क्या है, हम जाएंगे फ़ोन की सेटिंग के अंदर, वहाँ जाके हम इसकी लैंग्वेज को चेंज कर देंगे। ठीक है, तो फ़ोन की सेटिंग के अंदर चलते हैं। ये सेटिंग का आइकन, ये रहा आइकन, सेम होगा, बेशक लैंग्वेज चेंज होगी लेकिन आइकन सेम होता है। तो आप आइकन देख के सेटिंग के अंदर जा सकते हैं और जब सेटिंग के अंदर आ जाएंगे तो यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शन होंगे जो आपको रीड करने में प्रॉब्लम होंगे, बस आपको स्टेप फॉलो करने हैं। तो हम नीचे आ जाएंगे, सबसे नीचे आ जाना आपको और सबसे नीचे आके काउंट करना 1 2 3 4 5 6। सिक्स नंबर पे ये बॉक्स के अंदर 3 लाइन वाला ऑप्शन आपको शो होगा। ठीक है, आपको इस वाले ऑप्शन पर टच कर देना, फिर आपको जो फर्स्ट ऑप्शन शो हो रहा है आपको उस वाले ऑप्शन पर टच कर देना। फर्स्ट ऑप्शन हमने इस पर टच कर दिया। अगर यहाँ पे अगर आपको सेकंड लैंग्वेज आ रही है 1 और 2 में, जैसे मैं बता देता हूँ, मैंने अभी ये लैंग्वेज ले लिया, अगर ऐसे लैंग्वेज आ रही है, ठीक है, तो ये देखें यहाँ पे सारी लैंग्वेज चेंज है। अभी ये देखें, ये लैंग्वेज इस तरह से चेंज आ रहे हैं, इसके अंदर कुछ लैंग्वेज, ये देखिए सारे लैंग्वेज अलग अदरवाइज से आ रहे हैं। तो अगर इस तरह से अगर आपकी लैंग्वेज आ रही है तो आपको क्या करना है, जो सेकंड लैंग्वेज है आपको उस पर टच करना है और नीचे ग्रीन कलर का ऑप्शन आएगा, आप उस पर टच कर देना, ये ऑटोमेटिक फर्स्ट पर चला जाएगा और आपकी लैंग्वेज चेंज हो जाएगी। एडिट का ऑप्शन होगा, जो लैंग्वेज आपको रिमूव करनी है आपको उस लैंग्वेज पर टच करके यहाँ से रिमूव कर देना। तो इस तरह से गाइस आपकी लैंग्वेज चेंज हो जाएगी। और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।